हाँ भाई, तो ये है लेक्चर नंबर 11, इंजीनियरिंग ड्राइंग। आज पढ़ेंगे प्लेन स्केल। आज के लेक्चर के बाद CO1 अचीव होगा, प्रिपेयरिंग बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर्मेट। और लेक्चर के अंत में यू विल अचीव, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर लर्नर विल बी एबल टू ड्रॉ प्लेन स्केल। आज के लेक्चर के बाद आप प्लेन स्केल ड्रॉ कर पाओगे। तो सबसे पहले रिवीजन हो जाए, प्लेन स्केल क्या है? पहले भी इसकी बातचीत हुई थी। प्लेन स्केल में एक लाइन है जिसको कुछ बराबर हिस्सों में बांट रखा है। कितने हिस्सों में बांटना है वो निर्भर करता है कि उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी लंबाई कितनी है, और उससे क्या पढ़ना है, उससे कौन सी दूरी पढ़नी है। इसके अलावा प्लेन स्केल जब हम बनाएंगे, एक लाइन को कुछ भागों में विभाजित करेंगे, तो उसका जो सबसे पहला हिस्सा है उस भाग को और ज़्यादा कुछ हिस्सों में विभाजित करेंगे। वो भी फिर से वही बात, कितने हिस्सों में विभाजित करेंगे तो वो सवाल आगे करेंगे, वो डिपेंड करता है कि उसकी उपयोगिता क्या है। तो प्लेन स्केल में दो यूनिट शो होती हैं, जैसे कि सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अब आगे बढ़ें उससे पहले यूनिट कौन कौन सी होती हैं वो पढ़ लें, क्योंकि जब प्लेन स्केल का सवाल आएगा और मान लो सवाल में लिखा है कि एक डेसी मीटर या एक डेका मीटर या एक हेक्टोमीटर, ये आपको दूरी दर्शानी है, तो आपको मालूम ही नहीं है ये यूनिट कितनी होती है, तो दर्शाओगे क्या? सवाल सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आज तक जो यूनिट पढ़ी होंगी, एक तो मीटर, एक सेंटीमीटर, एक मिलीमीटर और किलोमीटर, ये तो सभी को पता है। फिर भी एक बार सुन लो, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हुए? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और हर एक में 10 मिलीमीटर, तो 100 × 10 यानी 1000 मिलीमीटर। तो ये ध्यान रखना है, ये तीसरी लाइन में लिखा है। 1 किलोमीटर तब मिलता है जब 1000 मीटर हो जाते हैं। उसी तरह से 1 फीट में 12 इंच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ हैं प्रीफिक्स सिंबल्स। सिंबल्स और प्रीफिक्स के लिए ये टेबल को प्रिफर करना है, रेफर करना है। इसमें देखो, नैनो सबसे कम है उससे शुरू हो रहा है और गीगा सबसे ज़्यादा है उसमें ही अंत हो रहा है। तो इसमें देखो क्या क्या लिखा है। सबसे पहले है नैनोमीटर। तुम लोगों ने सुना होगा नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, तो वो 1 मीटर के में ये मल्टीप्लाई करें, 10 10 की घात -9 इसका गुणा कर दें तो कितनी कम दूरी आएगी। वो उतनी साइज के सामान या रोबोट या जो भी टेक्नोलॉजी वो बनती है, तो उसको कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। टाटा ने अपनी कार का नाम नैनो रखा था, पर उसका इस साइज से रिलेशन नहीं है। पर हाँ, नैनो मतलब बहुत सूक्ष्म, ये इस शब्द का अर्थ निकाला जा सकता है। उसके बाद आ जाता है माइक्रो। जैसे अपन कहते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया रहते हैं, वो क्या रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, अति सूक्ष्म जीव होते हैं, अमीबा होता है। तो 10 की घात -6 इसका गुणा अगर 1 मीटर में कर दें तो 1 माइक्रोमीटर मिलता है। मिलीमीटर तब मिलेगा जब 1 मीटर में 10 की घात -3 का गुणा करेंगे। ये इनके सिंबल हैं। नैनोमीटर का सिंबल है N, छोटा N। माइक्रोमीटर का है ये म्यू, ये म्यू है ना ये।
अब ठीक है, तो माइक्रोमीटर का है म्यू, मिलीमीटर का है एमएम, है ना? तो मिली का है एम, दो एम आ गए इधर, सेंटीमीटर, अब सेंटी मतलब होता है 10^-2, उसका मीटर में गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 1 सेंटीमीटर। डेसीमीटर 10^-1, -1। गीगा, ये पहले नीचे शुरू करते हैं, डेका मीटर, ये रहा डेका। अगर 1 डेका मीटर दूरी कितनी है कोई पूछे, तो 1 मीटर में डेका मतलब 10^1 का गुणा करना है, 10^1 मतलब 10, तो मिल जाएगा 10 मीटर। तो 1 डेका मीटर मतलब 10 मीटर। हेक्टोमीटर 10^2 का गुणा करना है, तो यानी 10^2 यानी 100, तो 100 मीटर का मिलता है 1 हेक्टोमीटर। किलोमीटर में किलो मतलब 10^3, मेगा मतलब 10^6, जैसे कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, तो 1 मेगापिक्सल में होते हैं ये 10 लाख पिक्सल, 10^6 मतलब 10 लाख। और गीगा, कितने गीगाबाइट का मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, तो उसमें 10^9 बाइट होते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि देख लिया कि 1 डेसीमीटर मतलब क्या, तो डेसी मतलब देखो पीछे क्या लिखा है, यहां लिखा है डेसी, डेसी मतलब 10^-1, ठीक है? तो 1 डेसीमीटर मतलब 1 मीटर में डेसी लगाए, मतलब 1 मीटर में 10^ है -1, तो मतलब 1/10 मीटर हुआ। अब 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर हैं, तो 1/10 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर/10 यानी 10 सेंटीमीटर। तो एक मतलब ये याद रखना है, अब आपको कैसे भी मैं समझाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर आपको ये याद रखना है, 1 डेसीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर होता है, ये यूनिट का नाम है। ये डेसीमीटर सुना नहीं होगा, अब सुन लिया ना, अब याद रखना है इसको। डेसीमीटर को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DM, छोटा डी छोटा एम, सेंटीमीटर में छोटा सी छोटा एम, कैपिटल सी कैपिटल एम नहीं लिखना है, कैपिटल सी एम लिखा है मतलब चीफ मिनिस्टर, छोटा सी एम लिखा है मतलब सेंटीमीटर, ठीक है? अब 10 डेसीमीटर हो जाएंगे तो वो 1 मीटर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि डेसी मतलब 10^-1 यानी 1/10 मीटर, तो वो इस 10 से कट जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है? तो याद रखने के लिए 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। अब आ जाता है डेका मीटर, 1 डेका मीटर में 10 मीटर होते हैं, डेसी यानी कम, डेका यानी बड़ा, तो डेका में 10 मीटर हैं तो ये बड़ा है, और 1 डेसीमीटर में होगा 0.1 मीटर यानी 10 सेंटीमीटर। 100 मीटर को बोलते हैं 1 हेक्टोमीटर, क्षेत्रफल जो रहता है ना 1 हेक्टेयर, वो एरिया कौन से खेत का रहेगा? अगर कोई खेत 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? 100 × 100 मीटर स्क्वायर, तो हो जाएंगे 1 के आगे 4 0 हो जाएंगे, उतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 100 × 100 यानी 10,000, उसको बोलते हैं 1 हेक्टेयर। तो इसलिए 100 मीटर को बोलते हैं 1 हेक्टोमीटर, ये याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, 1 हेक्टोमीटर में होते हैं 100 मीटर, ये याद रखना है। अब तो इन सबको अब बिना देखे अगर एक बार कहें, तो सबसे पहले आता है मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर को इकट्ठा कर लिया तो बन गया 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को इकट्ठा कर लिया तो बन गया 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर को इकट्ठा कर लिया तो बन गया 1 मीटर,
ठीक है, 10 मीटर बराबर हो गया एक डेका मीटर, 10 डेका मीटर से बनता है एक हेक्टोमीटर, और 10 हेक्टोमीटर से बन जाएगा 1 किलोमीटर। यहाँ पे लिखा है, मैं इसको आसानी से समझ में आ जाए उसके लिए एक और स्लाइड बना देता हूँ। देखो 10 mm बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेका मीटर। डेका मीटर इसलिए आखिरी में ए आ रहा है। अब 10 डेका मीटर बराबर 1 हेक्टामीटर, हेक्टामीटर में कहाँ लिखा है, ये रहा हेक्टोमीटर, सॉरी हेक्टोमीटर, और आखिरी में 10 हेक्टोमीटर बराबर हो जाएगा 1 किलोमीटर। तो इस क्रम में 10 10 10 10 के हिसाब से बढ़ते जा रहा है। मिलीमीटर के बाद आया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद आया डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद आया मीटर, मीटर के बाद आया डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर, फिर किलोमीटर। तो सब में 10 10 का अंतर है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। चलो अब मेरे ख्याल से आगे बढ़ सकते हैं। अब मेन उद्देश्य से भटकना नहीं है, प्लेन स्केल कैसे बनानी है उसे बनाना सीखना है, उसे हम बनाएंगे, और उसके बाद इतनी तैयारी उसकी करनी है कि एग्ज़ाम में ये सवाल आएगा उसे बना के 10 नंबर 5 नंबर जितने का भी आ रहा है उसे सॉल्व करना ही करना है, सवाल छूटना नहीं चाहिए। सबसे पहला एग्जाम्पल अपने इस इंजीनियरिंग ड्राइंग विषय में अपन पढ़ते हैं आज। एग्जाम्पल 1, कंस्ट्रक्ट ए स्केल ऑफ 1:4। ये 1:4 क्या है, रेशो दे रखा है स्केल का रेशो। टू शो सेंटीमीटर एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 5 डेसीमीटर। देखा, अच्छा हुआ ना ये डेसीमीटर पढ़ा अपन ने, वरना भी समझ में ही नहीं आता है क्या है। हिंदी में बताता हूँ, एक स्केल का निर्माण कीजिए जिसमें 1:4 का रेशो हो, उसमें सेंटीमीटर को शो कर रखा हो एवं उसकी लंबाई 5 डेसीमीटर तक नापने के लिए पर्याप्त हो। ये हिंदी में सवाल समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को पीछे करके फिर से सुनो। अब तब तक आगे मत बढ़ना जब तक समझ में नहीं आया कोई भी स्टेप में। अब इसका सॉल्यूशन बताते हैं। सबसे पहली स्टेप है आर ए फाइंड करो स्केल के लिए। इस एग्जाम्पल में डायरेक्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, 1:4 ये स्केल का रेशियो है, वो ही आर एफ है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपने को सवाल में ऐसा लिखा हुआ होता कि 1 किलोमीटर की सड़क को, नहीं मान लो ऐसा लिखा हुआ रहता कि 4 मीटर लंबी सड़क, नहीं सड़क नहीं क्या कहेंगे, 4 मीटर लंबी दीवार को 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा से दर्शाया गया है, तब अपन को थोड़ा कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेटर उठाना है, आरएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे, 10 सेंटीमीटर बटा 4 मीटर कर देंगे, फिर वो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएंगे 400, तो 10/400 हो जाएगा, 1/40 आएगा, तो उसे तो उस दीवार वाली जो अभी मैंने बात बताई तो उसमें हो जाएगा आर एफ 1/40। वो कैलकुलेशन अभी नहीं करना है, डायरेक्ट दिया सवाल में ये पहचानना है आपको, डायरेक्ट दिया है तो पहली स्टेप अपनी ऐसे ही सॉल्व हो गई। इस एग्जाम्पल में, इन दिस एग्जाम्पल दिस इज आर एफ इज इक्वल टू 1/4, 1/4। स्टेप टू, स्टेप टू में स्केल की टोटल लेंथ निकालनी है, समझ गए। अब स्केल की टोटल लेंथ कितनी होना चाहिए,
मेरे पास दो तरह की स्केल रखी हैं। एक स्केल है 30 सेंटीमीटर लंबी, बचपन में आपने स्कूल में देखा हो, मास्टरों के पास रहती थी, उससे बच्चों को हाथ में थोड़ा सा पीट मारपीट देते थे। वो वाली जो स्केल है, वो लंबी वाली स्केल अपन उसको बोलते थे। वो कितनी लंबी होती है? 30 सेंटीमीटर लंबी। और जो नॉर्मली अपन एक छोटी स्केल जिसे कहते हैं, वो 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर अपन को लंबी लकीर बनानी होती है पन्नों पर, तो अपन लंबी स्केल का उपयोग करते हैं। और अगर उसकी आवश्यकता नहीं है, कंपास में रखनी है छोटी, तो अपन छोटी का इस्तेमाल करते हैं। तो उपयोगिता के ऊपर निर्भर करता है स्केल लंबी बनानी है या छोटी। अब अपनी जो स्केल बनेगी, डायग्राम वाली स्केल जिसे अपन कहेंगे ग्राफिकल स्केल, और उस ग्राफिकल स्केल का अपन पहला प्रकार देख रहे हैं, टाइप प्लेन स्केल। ये स्केल का अपन का उद्देश्य क्या है सवाल के अनुसार? कि वो इतनी लंबी हो कि उसे 5 डेसीमीटर पढ़ा जा सके, इतनी लंबी उसको बनाना है। तो मतलब अब हम जो कंसेप्ट लगाएंगे वो ये रहेगा कि टोटल लेंथ हम स्केल की कितनी रखें कि उसकी 5 डेसीमीटर लंबाई नापने की क्षमता हो। ये मेन बात है। इसमें स्लाइड में मैंने पहले से लिख रखा है, उससे मज़ा नहीं आता। मैं थोड़ा इंटरेक्टिव पैटर्न लाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले विंडोज चालू करते हैं। इसकी मदद से अब अपन, मैं कुछ टाइप करता हूँ, आप देखते जाओ। तो सबसे पहले RF कितना है? RF अपन को दिया है 1/4, ठीक है। मैं इसको और बड़ा करूँ क्या? और बड़ा कर लेते हैं, चलो। अब टोटल लेंथ ऑफ स्केल, मान लो इसको अपन L से डिनोट कर रहे हैं, TL से कर देते हैं अपन डिनोट, टोटल लेंथ है। तो TL का फॉर्मूला क्या है? अब ये देखो, RF गुणा, ये मल्टीप्लाई की जगह डॉट आ गया है, RF गुणा मैक्सिमम लेंथ टू मेजर। अरे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो RF में किस चीज का गुणा करना है? वो अधिकतम लंबाई जो नापनी है, समझ गए? यहाँ पे मैं थोड़ी जगह बना के इसको लिख लेता हूँ, क्या है मैक्सिमम लेंथ टू मेजर फिलहाल ये अपन को करना है 5 डेसीमीटर, 5 डेसीमीटर, ठीक है। इसमें देखें ये 5 डेसीमीटर यूनिट कैसे आती है। 5 डेसीमीटर देखो, इसमें भी ये यूनिट सपोर्ट कर रही है। और देखो यहाँ बारीक सा लिखा हुआ है, 1 डेसीमीटर बराबर 10^-1 मीटर, ये आ गई इसकी यूनिट, ठीक है। अब अगर RF मेरे पास है 1/4, तो मैं TL निकाल सकता हूँ। आप गुणा भाग करो, यही आएगा। मीटर में निकाल लिया है, सेंटीमीटर में चाहिए तो कितना आ जाएगा? इसका मतलब 12.5 सेंटीमीटर की अपने को टोटल लंबाई की स्केल बनानी है। मीटर से सेंटीमीटर मतलब 100 का गुणा।
तो वापस इस पे आ जाते हैं। यहाँ पे अपन एक सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं। यहाँ पे अपन अपनी स्केल बनाने का काम करते हैं शुरू। एक लेयर बनाते हैं डार्क, मोटाई दे दी कंटिन्यूस लाइन। ठीक है, अभी इसकी यूनिट है मिलीमीटर में। चलो इसको मिलीमीटर से सेंटीमीटर कर देते हैं और अब अपन स्केल बनाते हैं। तो 12.5 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है। ठीक है, पहला पॉइंट ये रहा। ये लाइन बन गई 12.5 सेंटीमीटर की। तो आपको स्केल से बनानी है। मैं इसकी दर्शाने की कोशिश करता हूँ, लंबाई दर्शाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब अगली स्टेप क्या है? अब अगली स्टेप स्टेप 3। एक लाइन बनानी है 12.5 सेंटीमीटर की, क्योंकि उसकी टोटल लेंथ स्केल की रिक्वायर्ड मिली 12.5 सेंटीमीटर, इसलिए उतनी सेंटीमीटर की अपन लाइन बनाएंगे। वो कैसे मिली? अपन ने अभी फॉर्मूला लगाया था, RF गुणा कितनी टोटल लंबाई नापनी है। अब उसके करेंगे 5 बराबर हिस्से। पांच ही क्यों? सवाल को देखो। अब इसमें लिखा हुआ है कि स्केल की कुल लंबाई इतनी हो कि वो 5 डेसीमीटर पढ़ने योग्य क्षमता उसकी हो। तो चूंकि 5 डेसीमीटर पढ़ने योग्य क्षमता है, तो उसके बराबर हिस्से करने हैं, तो 5 हिस्से करेंगे तो सही रहेगा। एक एक हिस्सा एक एक डेसीमीटर का रहेगा। मान लो सवाल में लिखा होता कि एक ऐसी स्केल बनाओ जो 7 डेसीमीटर पढ़ने की क्षमता वाली हो, तो अपन उस लाइन के 7 बराबर हिस्से करते। अभी इसमें 5 लिखा है, तो 5 बराबर हिस्से करेंगे। ठीक है, मैं इसमें अलग रंग के बिंदु बनाता हूँ ताकि दिख जाए आसानी से। अब 12.5 सेंटीमीटर की लाइन है और इसके 5 बराबर हिस्से करने हैं, तो कैसे करेंगे? 12.5 बटा 5 कितना आएगा? ढाई सेंटीमीटर। तो हर 2.5 सेंटीमीटर के बाद अपन ये बिंदु बनाएंगे। ये रहा पॉइंट। पहला बिंदु नहीं, पहला बिंदु तो इधर बनेगा, दूसरा, तीसरा, ये एक्स्ट्रा बन गया, इसे डिलीट कर देते हैं।
तो ये अपना बना है बिंदु, इसे लाल रंग कर देता हूँ मैं ताकि आसानी से दिख जाए। आपको तो पेंसिल से ही बनाना है तो ऐसे लाल रंग के बिंदु नहीं बनेंगे, तो नॉर्मल बात है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दरवाजा लगा दो। हवा बहुत चल रही है। तो ये बन गए इसमें 6 बिंदु, तो इससे 5 हिस्से हो गए। 5 हिस्से करने हैं तो 6 बिंदु बनाने पड़ते हैं, है ना। अब इसमें अपन लिखेंगे, अच्छा चलो अभी स्टेप पे आ जाते हैं, मैं डायरेक्ट बताने लगता हूँ, अभी आपको पहली बार ही बता रहे हैं तो रुको। अब इसका एक हिस्सा रहेगा 1 डेसीमीटर के बराबर, क्योंकि 5 डेसीमीटर की पूरी स्केल है। अब इसमें स्टेप फोर में देखो क्या लिखा है, मार्क 0 एट द राइट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट डिवीजन। पहला जो हिस्सा है ये रही लाइन, इसका जो पहला हिस्सा है ये रहा पहला हिस्सा, इसके सीधे हाथ वाले पॉइंट पर लिख देंगे अपन 0, ठीक है। एक नई लेयर बना लेते हैं अपन, जीरो जीरो। मैं 10 mm ऊंचे अक्षर बना रहा हूं। उसके बाद देखो क्या लिखा है, एंड 1, 2, 3 एंड 4 एट द RHS एंड, RHS एंड ऑफ ईच डिवीजन, हर डिवीजन के सीधे हाथ वाले हिस्से पे 1, 2, 3, 4 लिखना है, ठीक है। लिख देते हैं 1, लिख देते हैं 0, लिख दिया 2, लिख देते हैं 3, लिख देते हैं और 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, इधर लिख देते हैं, इसकी चिंता मत करो, इसे हम हटा सकते हैं, इसे नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया। अब अगला पॉइंट क्या है, स्टेप 5, डिवाइड द फर्स्ट डिवीजन इनटू 10 इक्वल सब डिवीजन। अब देखो सवाल में क्या लिखा था उस पर वापस आ जाओ। इसमें सवाल की शुरुआत में लिखा है ऐसी स्केल बनाना है जो सेंटीमीटर भी शो कर सके। अभी अपने साथ क्या है, ये जो स्केल अपन ने बनाई है ये यहाँ से यहाँ तक 5 डेसीमीटर को शो कर रही है, तो ये एक डिवीज़न 1 डेसीमीटर को शो कर रहा है, ये एक डिवीज़न भी एक, ये हिस्सा, ये भाग, ये एक भाग, ये एक हिस्सा भी 1 डेसीमीटर को शो कर रहा है। अब अपन को सेंटीमीटर भी शो करना है, तो इन हर एक डेसीमीटर के अंदर छुपे हुए हैं 10 सेंटीमीटर, तो इनमें से किसी भी एक हिस्से के अगर अपन 10 और बराबर हिस्से दोबारा कर दें तो वो एक हिस्सा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर के बराबर। अब इनके 10 हिस्से कैसे करेंगे, क्योंकि इनकी दूरी कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर के 10 हिस्से करोगे तो हो जाएगा, हाँ, 2.5 mm। अब 2 mm का हिस्सा बना सकते हो, 2.5 mm का कैसे बनाओगे। ऐसे में अपने पास एक कला उपलब्ध है जिसका अपन उपयोग करेंगे, जो अपन ने सीखा था कि एक लाइन के बराबर हिस्से कैसे करें, n बराबर हिस्से कैसे करें। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक तिरछी रेखा बनाएंगे
जिसके 10 बराबर इससे करना आसान हो, क्योंकि इसके बराबर इससे करना तो आसान नहीं है। तो 2 सेंटीमीटर की अगर अपन रेखा बनाएं यहाँ पे, तो उसके 10 बराबर इससे करना आसान है। 3 सेंटीमीटर की रेखा बनाएं तो उसके भी 10 बराबर इससे करना आसान है। अपन 2 सेंटीमीटर की रेखा बनाते हैं। अब अपनी जो रेखा बनेगी वो बिना काम, वो शो नहीं करनी है, उसका मेन उद्देश्य सिर्फ यही है कि वो सहायता के लिए बनी है। तो वो बहुत ही बारीक रेखा अपन बनाएंगे ऐसे। कुछ ऐसी अपन को रेखा बनानी है पेंसिल से। मेन रेखा है ये वाली स्केल की, ये वाली रेखा बननी चाहिए एकदम बारीक, जिसका काम सिर्फ यही है कि इसके बराबर हिस्से करवाना, इसके बंटवारे करवाने का काम है। इसका खुद का, इसको शो नहीं करना है अपने को ड्राइंग का, उसको इसका खुद का कोई ऐसा शो का काम नहीं है। अब चूंकि ये रेखा बनाई है, ये 2 सेंटीमीटर की बनाई है, तो इसके 10 हिस्से करना आसान है, बहुत आसानी से कर सकते हैं अपन। इस रेखा पर अपन हर 2 mm के बाद कर्व बनाएंगे, पॉइंट बनाएंगे और इसे काटेंगे। मैं कंप्यूटर से बना रहा हूँ तो अभी फ़िलहाल मेरे पास यही तरीका है, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट पेंसिल और स्केल से ये बिंदु आप बना सकते हो। तो ये दूरी है 2 mm, फिर 4 mm दूरी पे बनाया यहाँ से, फिर यहाँ से 6 mm दूरी पे बनाया। अब मैं यहाँ से 8 mm की दूरी पे बनाऊंगा पॉइंट, मैं पॉइंट बनाने के बजाय ये लाइन बना रहा हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए, क्योंकि वो नहीं तो इतनी बारीक लाइन है कि दिखेगी नहीं। अब दिख रही है ये आपको। अब 1.2 सेंटीमीटर पे बना रहा हूँ छठवां हिस्सा। तो ये हो गए, तो ये एक लाइन बना दी, उस पर 10 हिस्से बराबर कर दिए और इस लाइन की लंबाई उतनी रखी कि इसके 10 हिस्से बराबर करना आसान हो सके। अब इसके आखिरी पॉइंट को अपन इस पॉइंट से मिला देंगे, हैं ये भी सब पतली लाइन ही बना रहे हैं अभी अपन। ये मिल गई। अब इस रेखा के समानांतर बाकी सारी रेखाएं बनेंगी जो इन सारे पॉइंट से शुरुआत होगी और यहाँ इस वाली रेखा से पॉइंट पे जुड़ेंगी। तो देखो,
ये मैंने इसके समानांतर रेखाएं बनाई, इसको ट्रिम कर देता हूं मैं। ये हो गया अपना काम। तो आपकी ड्राइंग ऐसी बननी चाहिए, आप लंबी बना के मत मिटाना, वो मुझे करना पड़ रहा है। इससे अपने को इसमें लाइन में काफ़ी सारे 10 हिस्से बराबर मिल गए, काफ़ी सारे नहीं 10 हिस्से, यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट मिल गए, दो दो ढाई ढाई एमएम की दूरी पे, जो वैसे अपन नहीं प्राप्त कर सकते। अब क्या है अगला पॉइंट, स्टेप 5 हो गया, 10 हिस्से बराबर करने, और हर एक हिस्सा 1 सेंटीमीटर को दर्शाएगा, ठीक है। अब मार्क सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ 0, शून्य के उल्टे हाथ की तरफ। अब अपन को सेंटीमीटर की गिनती लिखनी है, और यहाँ अपन को छोटे अक्षरों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें अब अपन 0.5 ले लेते हैं, और अपन 0 के बाद डायरेक्ट लिखेंगे 2, यहाँ पे आएगा 4, क्योंकि इतनी जगह नहीं है कि आप 1 2 3 4 लिख पाए। यहाँ गया 4, यहाँ जाएगा 6, ये सेंटीमीटर दर्शा रहे हैं। अब 8, और यहाँ पे आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। उसकी जगह हम डायरेक्ट लिखेंगे डेसीमीटर, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो कुछ इस प्रकार से स्केल बन जाएगी। इसको और अच्छा लुक देने के लिए इसको हम रेक्टेंगल फॉर्म में भी बना सकते हैं। जैसे इसका लुक है यहाँ पे, ये जो लाइन है ये भी प्लेन स्केल ही है, 0 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 0 से 10, तो ये 6, और यहाँ मीटर लिखा है, मतलब ये मीटर दर्शा रहे हैं, तो ये 6 मीटर लंबी लाइन, 6 मीटर लंबी नापने लायक स्केल बनाई गई है। इसका आरएफ कुछ अलग है, ये कोई और सवाल का है, इससे अपने को नहीं मतलब, पर उस प्रकार की दिखने वाली अपन बना सकते हैं बहुत आसानी से। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डब्बा बना देते हैं अपन। ऐसा कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे इधर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये हो गया। ये हो गई। अब इसमें फर्दर जो पॉइंट्स मिले उसे भी बना सकते हैं।
तो इस प्रकार से बन गई ये स्केल। ऐसा भी अगर बना दिया तो आपका सवाल हो गया, पूरा हो गया। अब ये 12.5 ये दूरी नहीं दर्शा रही है, इसको हटाना पड़ेगा। अब इसमें अपन को आरएफ और यूनिट और लिखना है। अपन चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं आरएफ इक्वल टू 1/4 है इस बार, ठीक है। और अपने को क्या लिखना है, डीएम छोटा लिखना है, ये कैपिटल अक्षर में नहीं, बाकी सब कुछ कैपिटल अक्षर में, या फुल फॉर्म लिख सकते हैं अपन शॉर्ट फॉर्म की जगह। ये डेसीमीटर में है और यहाँ अपन को दिखाना है सेंटीमीटर है, तो अपन लिख देंगे या डायरेक्ट सीएम लिख देते हैं। इसका अक्षर अपन छोटा कर सकते हैं, यहाँ पे अपन ने लिख दिया सेंटीमीटर। तो इससे क्या समझ में आ रहा है आप देख के? तो अगर जिस जो ये आरएफ लिखा है 1/4, ऐसी आरएफ की अगर कोई ड्राइंग मिलती है तो एक प्लास्टिक के टुकड़े पर ये साइज की स्केल बना के अपन उससे नाप करके डायरेक्ट दूरियां प्राप्त कर सकते हैं, डायरेक्ट दूरियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसका फोटो खींच लेते हैं। अपने प्रेजेंटेशन में लगा देते हैं। मैंने पहले से इसलिए नहीं लगाया था, मैं चाहता था सामने बना के दिखाऊं, ये ऐसा ड्राइंग दिखनी चाहिए अपनी बनने के बाद, ठीक है। तो रिवीजन करो आज क्या पढ़ा। अगर सवाल में 2 यूनिट्स दर्शाने का लिखा है तो मतलब प्लेन स्केल बनेगी, 3 यूनिट वाले सवाल भी आएंगे तो मतलब ग्राफिक और जो डायगोनल स्केल बनेगी। इसमें 2 यूनिट का ही लिखा था, ये देखो एक सेंटीमीटर का जिक्र किया है इसमें और डेसीमीटर का किया है, तो 2 यूनिट का किया है तो बनी प्लेन स्केल। 3 यूनिट बनाने का बोला होता तो बनती डायगोनल स्केल। तो पहली स्टेप है आरएफ प्राप्त करो, टोटल लेंथ कितनी है उसकी दूरी निकालो। वो अपन ने ये देखा कहाँ गया, अपन ने इससे निकाल के देखा आर एफ 1/4 का गुणा करोगे ये 5 डेसीमीटर में तो ये आ जाएगा। फिर उस लाइन के 5 बराबर हिस्से अपन ने किए, क्योंकि वो 5 डेसीमीटर को शो कर रहा था, तो राउंड फिगर में विभाजन करना है, विभाजन करने के बाद की दूरी भी राउंड फिगर में आए, तो वो 1 डेसीमीटर राउंड फिगर है, इसलिए 5 हिस्से किए। फिर पहले हिस्से को और बराबर 10 भागों में विभाजित किया, क्योंकि पहला हिस्सा कुल मिला के 1 डेसीमीटर का था, उसमें 10 सेंटीमीटर थे, तो इसलिए 10 हिस्से किए ताकि 1 सेंटीमीटर दिखा पाए। मान लो पहले डिवीज़न में, मान लो 1 फिट का डिवीज़न है पहला और उसमें 12 इंच होते हैं, और अगर अपन को 12 इंच दिखाने हैं तो अपन फिर उस पहले हिस्से के, जो कि अगर 1 फिट का होता तो अपन उसके 12 बराबर हिस्से करते, 12 इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स अपन करते। अभी 10 की ज़रूरत थी तो 10 बराबर हिस्से किए। फिर प्लेन स्केल को और अच्छे से दर्शाने के लिए अपन लाइन की जगह रेक्टेंगल बना सकते हैं, वो अपन ने बना लिया। अब क्या करो, एक लाइन से प्लेन स्केल की रेखा बना के देखो। उसमें मैंने पहले ही इसमें आरएफ लिख दिया 1/60, उसमें आपको मीटर और डेसीमीटर शो करना है और उसकी कुल लंबाई कितनी रखनी है, 6 मीटर को नापने के लिए पर्याप्त हो ऐसी लंबाई रखनी है। सेम कंसेप्ट से बड़ी आसानी से बन जाएगा, इसको बना के देखो।
तो अगले क्लास में अपन इसका एक और एग्जाम्पल पढ़ेंगे, प्लेन स्केल का भी ख़त्म नहीं हुआ है। और देखना हो तो बढ़िया इसके वीडियो हैं, मैं इसका लिंक डालता हूँ, वो देखो, किताब पढ़ो, अच्छा लगेगा। थैंक यू।